गुड मॉर्निंग सर जनाब, और आपको मेरी सुबह की नमस्ते। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पटवाल पहाड़ी। और आज मैं जा रहा हूँ चकलिया खाल, और चकलिया खाल के जाते टाइम जो भी मेरे को अच्छी सी सीनरी लगेगी मैं आप लोगों को अवश्य शेयर करूँगा। अभी ये हमारी ककड़ी लग गई है, देखो वाओ, ये देखिए गोदड़ी भी खा रहे हैं आजकल, गोदड़ी लगी हुई है, गोदड़ी भी लग गई है। और गोर मिलाक हो गया है, लोगों के गोर अभी जाने लग गए हैं जंगल। आज थोड़ी धूप लगी है और फिर बाकी शेष भाग थोड़ी देर के बाद। ये हमारा गांव का मलय डांडा, ऐसे टिप्पन टॉप भी बोल सकते हैं इसको। और यहाँ से बहुत सारी जगह नज़र आ रही हैं। ये हमारा गांव मनीगांव, और ये लेंटर वाला मकान हमारा, बाकी नुनेरा, और बहुत दूर दूर तक चाखाल वगैरह, बहुत दूर दूर तक गांव नज़र आ रहा है। यहाँ से पता नहीं कौन कौन से गांव हैं ये, और ये परंडी, और ये घोटला काफी साफ नजर आ रहा है यहाँ से पूरी। ये घोटला गांव है, बहुत अच्छी जगह है, चोटी में बसा हुआ ये गांव है ये घोटला। और वो ताड़ के सर जाती हुई खेत, और ये डांडा, और ये मलय डांड में हमारा जो स्टोरेज टैंक, वाटर स्टोरेज टैंक ये बना हुआ है, यहाँ से पूरा सप्लाई होता है गांव की तरफ पानी। और ये देखिए यहाँ से सीधा धरण, और पानी हैं ये, और ये बहुत ऊंची ऊंची कुएं हैं यहाँ पर, कुएं का डाल बहुत सुंदर दिख रहा है, और बादल लग गए आसमान में, पर्वत श्रृंखलाएं पूरी दिख रही हैं यहाँ से आगे की। और देखिए जूली मेरे साथ है, और ये जगह का नाम है पलंथरा। यहाँ पर जब घास वगैरह के लिए सखने ख्याल लोग जाते थे तो यहाँ पर ये दथड़े पलाते थे लोग। देखिए ऐसी धार बन जाती है, दथड़े पला पला के, इसको बोलते हैं पलंथर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे खेत हैं यहाँ पे, देखिए खेलने लायक भी है, और बहुत सुंदर जगह पलंथर है। और ये मलय डांडा भी बोलते हैं इसको, यहाँ से आगे ऊपर मलय डांडा। ये देखें मुनर उडारा धरण, और खलिया, और ये चुरगट पूरा दिख रहा है, काफी साफ नजर आ रहा है। और ये छानी धरण, इसको बोलते हैं छानी धरण। और अब मैं प्रस्थान करने वाला हूँ सगले खेत की ओर, तो बढ़ रहा हूँ मैं, और ये पूरा चकलिया खाल तक टॉप टू टॉप रास्ता यहाँ से। और देखिए किसी ज़माने में इस इलाके में बहुत सारी खेती होती थी, यहाँ पे बोट हुआ करती थी, और हम लोग उस टाइम में बोट में आते थे, बहुत अच्छा लगता था। और अभी देखिए पूरा रौदौन जम गया है, इन चीज़ों को देख के थोड़ा दुख सा होता है, लेकिन क्या करें, अब करने वाले लोग इतने नहीं हैं, जानवर भी रखते नहीं इतनी दूर में, इसलिए खेती में भी नुकसान होता है। यहाँ पर देखिए आपको वाइट वाइट से पत्थर नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर ये चूने टाइप होता है, पहले जमाने में, पहले टाइम में हम लोग अपने घरों को इसी
मिट्टी को खोद के ले जाते थे और इसी से चूना करते थे। तो चूना टाइप पत्थर है ये, जिससे सफेदी हो जाती थी मकान में। देखिए अभी मैं हूँ भरमेशा पानी में, और जो पपड़ी वाला झरना है उसका मुख्य स्रोत यही नदी है और यहीं से पानी का सोर्स है। और ये यहाँ पे जो वाटर टैंक बने हुए हैं, ये भूतपूर्व प्रधान हमारे ताऊजी श्री स्वर्गीय श्री केशव सिंह जी ने बनाए थे, और तभी से घर घरों में नल की व्यवस्था उन्होंने करवाई थी। तो उसी स्कीम का ये पार्ट है और यहाँ से वो हमारे गाँव में वो पानी जा रखा है। बरसात में तो अभी ज़्यादा है, लेकिन गर्मी में ये पानी कुछ कम हो जाता है। बहुत स्वादिष्ट पानी है, बहुत स्वच्छ। जय श्री तारकेश्वर महादेव। ये रास्ता तारकेश्वर जाते हैं। अभी मैं बर्फ से पानी से होते हुए ये अभी यहाँ पे रोड हेड पे पहुँच गया हूँ। इस तरफ श्री तारकेश्वर धाम के लिए रोड जाती है और ये चूड़ा खा लेंगे। अभी थोड़ी देर और है रास्ता, आगे मैं दिखाता हूँ चूड़ा खा लेंगे दृश्य। और ये मैं अभी पहुँच चुका हूँ पानी गिर के ढैया में। ये पूरी बुनाई है हमारे यहाँ की, पूरी नीचे रोले से लेके यहाँ रोड तक। और मैं बहुत थक गया हूँ, और जहाँ पे वो बर्मे से पानी था वहाँ पर मेरे पास झोंके बहुत लग गए हैं, और अभी मैं थोड़ा